उनकी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है और वो चिकित्सकों की सघन निगरानी में है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष की निचली श्वास ग्रंथि में फंगल संक्रमण का पता चला है। उन्होंने कहा कि संक्रमण और कोविड 19 संक्रमण के बाद की जटिलताओं के मद्देनजर उनका उपचार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड 19 के बाद की जटिलताओं के कारण 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित कथित धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को नए सिरे से समन जारी कर 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। सोनिया गांधी को इससे पहले 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से उन्होंने जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए नई तारीख देने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।